Hey, what is up guys? मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हो द टेक एडवाइजर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो का जो लूप ईयरफोन है उसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसको फ्लिपकार्ट से खरीदा है और ये कुछ इस तरीके का इसका पैकेज है। अनबॉक्सिंग के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले ही अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लिया था और उसके बाद अभी रिव्यू के तौर पर इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अभी 2020 में। तो गाइस जी हम लोगों ने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया था, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है, क्या कुछ मिलता है अपने को ईयरफोन के अलावा। तो फटाफट अनबॉक्स करते हैं और बॉक्स को खोलते ही आपको एक बिल मिल जाएगा और बिल के साथ एक और बॉक्स मिल जाएगा, बॉक्स टाइप का कुछ मिल जाएगा। उसको फिर खोलने के बाद आपको एक और बॉक्स मिल जाएगा, उस बॉक्स के अंदर जो अपना ईयरफोन है वो है और उसका जितना भी मटेरियल रहेगा वही रहेगा। और ये वाला जो बॉक्स है वो ऑफिशियल बॉक्स है। तो चलो इस बॉक्स को खोलते हैं। इसके पहले बता देता हूँ कि इसमें आजू बाजू में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए बॉक्स को खोलते हैं। और वैसे इसका प्राइस 399 रुपीज़ है और इसका जो रेड वाला है उसका प्राइस 449 के आसपास जाता है। तो आप ध्यान से आराम से खरीद सकते हो। 399 वाला ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, 400 के अंदर आपको अच्छा वाला मिल जाएगा। तो गाइस बॉक्स खोलते हैं। ईयरफोन है और उसके बाद एक वारंटी कार्ड है जिसमें आपको 1 साल का वारंटी मिल जाता है इस प्रोडक्ट के साथ। तो इसको बाजू में रखते हैं और देखते हैं ईयरफोन की तरफ। ईयरफोन का पैकेज कुछ पाउच के डिज़ाइन में है और इसको फटाफट बाहर निकालते हैं। तो गाइस ईयरफोन के साथ साथ आपको ईयर टिप्स भी मिल जाएगा, 2 ईयर टिप्स और एक अटैच करने के लिए अपने कॉलर में अटैच करने के लिए एक मिल जाएगा। और साथ ही साथ माइक मिल जाएगा इसमें और एक फंक्शन बटन है जिसे कि आप कॉल को हैंडल कर सकते हो बड़े आराम से। और साथ ही इसका जो वायर है वो 1 मीटर के आसपास होना चाहिए, काफ़ी लंबा वायर है, मतलब अच्छा खासा लेंथ है इसका। आपके पॉकेट से आपके ईयर तक एकदम आराम से पहुंच जाएगा। और इसका जो कनेक्टर है वो गोल्ड प्लेटेड है। और गाइज आप लोगों ने अनबॉक्सिंग तो देख लिया और अब मैं बताता हूँ इसका रिव्यू कि ये कैसा लगा है मुझे। 2 दिन यूज़ किया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि इसमें जो ये जो कनेक्टर है थोड़ा एंगल्ड वाला है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें भी इधर 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छा बात है। और इसका ही एक रेड कलर का वेरिएंट आता है जो कि 449 रुपीज़ का आता है, उसके लिए आप मत जाना। इसके अलावा भी बोट कंपनी और MI और काफ़ी सारे कंपनी के 399 के अंदर में आते हैं, तो वो सब भी अच्छा ही है। मैंने अभी तक वो सब का टेस्ट नहीं किया है लेकिन ये वाला मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। हाई लोज ट्रिबल बास सबके सब अच्छा है इसके अंदर। गाइज इस ईयरफोन में ये कुछ इस तरीके का वायर का लूप होने के कारण ही इसका नाम बोल्ट का लूप रखा गया है। चले करते हैं इसका माइक टेस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि कैसे आपको कुछ क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगा अगर आप किसी फोन पे बात कर रहे हो। तो मैं कनेक्ट करता हूँ इसको अभी अपने फोन से। तो ये मैंने अभी कनेक्ट कर दिया अपने फोन से और अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो प्योरली इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप इस माइक को थोड़ा सा दूर रखोगे, इसके माइक को थोड़ा सा दूर रखोगे तो आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप जैसे ही नज़दीक लेके जाओगे इसके वायर को तो आपको काफ़ी क्लियरली आवाज़ सुनाई देगा। सामने वाले को भी काफ़ी क्लियर आवाज़ सुनाई देगा इसका, क्योंकि यहाँ पर ये माइक है और यहाँ पर एक फंक्शन बटन भी है जिससे कि डबल टैप करने पर नेक्स्ट सॉन्ग, ट्रिपल टैप करने पर प्रीवियस सॉन्ग। गाइज कमेंट में ज़रूर से बताना कि ये वाला जो ईयरफोन है उसका आपको ऑडियो क्वालिटी कैसा लगा, यानी कि माइक कैसा लगा उसका। गाइज इसमें लूप होने के कारण, जो वायर का लूप है वो होने के कारण आपके जो कान में एकदम परफेक्ट फिट बैठ जाता है ये, जैसे कि आप इसे यूज करते हो और उसके बाद ये जो है उसको कान के नीचे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हो तो आपको बहुत अच्छा साउंड सुनाई देगा एक। लेकिन आपको इसमें एक और फायदा मिलता है कि आपको आजू बाजू का साउंड नॉइज सुनाई नहीं देता है कान के अंदर अगर आपने दोनों ईयरफोन पहना हुआ है तो। और आप जैसे ही ईयरफोन उतारोगे आपको आजू बाजू का साउंड सुनाई देने लगेगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो वैसे आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।